रूपा जी, अगर सोयाबीन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो सोयाबीन 5000 तक नीचे में कारोबार करती हुई नजर आ चुकी है, उस सोयाबीन के अंदर अब एक तेजी बनती हुई नजर आई है हल्की, और एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी हम यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में अभी कुछ दिनों तक तेजी जारी रह सकती है या फिर ये तेजी मंदी में तब्दील हो जाएगी अगले सप्ताह? देखिए अखिलेश, मुझे सोयाबीन में बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस नहीं दिखाई देती, ना ही सोयाबीन में ना ही रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में। मुझे लगता है कि बाजार जो है ये अब ये वाला हफ्ता और मतलब ये वाला आज तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो 5300 के बीच ऑलरेडी बाजार चल रहा है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में ज्यादा से ज्यादा अगर बाजार उठता भी है तो 5400 तक की वापसी तेजी ले सकता है सोयाबीन। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव दिखाई देता है। मुझे लगता है कि ये 5000 से नीचे जा सकती है, 5000 से लेके 4800 तक नीचे लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है। अभी त्योहारी सीजन है, मांग निकली हुई है, उसके चलते थोड़ा बहुत बाजार ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते मान के चलिए कि मैक्सिमम तेजी 5500 तक देखने को मिल सकती है। वहीं देखा जाए तो आने वाले दिनों में रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट, 5100 से लेकर 5500, ये रेंज फिलहाल बनी रह सकती है जी।